हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/8, वाई एंड वाई नॉट। मीन्स 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/8 होता है। अगर होता है तो कैसे होता है, और नहीं होता है तो कैसे नहीं होता है, इसे हम लोगों को सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या राइट करेंगे। तो देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम लोग कोई ए नंबर लेट करते हैं। ये a/1 होता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/a। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/1 = 1। अगर इस फॉर्म में कोई नंबर है और उसको हम लोग सॉल्व करें तो उसका आंसर अगर 1 आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अदरवाइज वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो लेट हम लोग a = 8 लेट करते हैं। ठीक है, तो a (1/a) मीन्स क्या हो गया, 8/9 - 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8/9 इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें क्या होता है कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं। ऑलवेज आप याद रखना, जब बीच में कभी भी नंबर के बीच में अगर मल्टीप्लाई ना दिया रहे, इस फॉर्म में कोई भी नंबर है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड ऊपर वाले नंबर से प्लस कर देना है। ठीक है, तो हम लोग इसको 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 आता है और 1 में, और 8 में 1 प्लस करते हैं तो ये 9 आता है। सो 9/8 -7 में है तो ये माइनस रहेगा साथ में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, आंसर में क्या आया, -1। ठीक है, तो हम लोगों को लाना क्या था, 1 लाना था, ना कि -1 लाना था। अगर 1 आता तभी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। सो दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। देखो, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स याद रखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपली ये होता है कि किसी भी दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर हम लोगों के पास p/q के फॉर्म में दिया रहता है उसी नंबर को हम लोग रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर 1 आता है, तभी वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हम लोगों को इस नंबर को सॉल्व करके लिखना था कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट आईक्यू।